नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं नंगे पैर चलने के लिए। दिन में कुछ देर जरूर चलें नंगे पैर। नंगे पैर जमीन पर चलना इन दिनों और इन सालों से असभ्यता की निशानी मानी जाने लगी है। हम घर में भी स्लीपर पहनकर रहते हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि धूल मिट्टी से पैरों के गंदे होने के अतिरिक्त चोट लगने का भी डर बना रहता है। इसीलिए चप्पल पहनकर घूमना एक तरह से खुद को सुरक्षित रखना है। आपको शायद यह याद भी नहीं होगा कि आप बगैर चप्पल जूते के कब पैदल चले थे और चले भी थे या नहीं। पुराने समय में लोग जितना बगैर जूते चप्पलों के पैदल चलते थे उतने ही स्वस्थ भी रहते थे। यदि आप किसी घास के मैदान पर या फिर साफ जमीन पर पैदल चल रहे हैं तो चप्पलों की बजाय नंगे पैर चलने की कोशिश करें। इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं। नंगे पैर चलने के बहुत फायदे हैं, इसीलिए दिन में कुछ देर जरूर नंगे पैर चलें। तो आइए देखते हैं कि हम क्या फायदे हैं नंगे पैर चलने के, यानी कि क्यों चलें नंगे पांव। जमीन पर नंगे पांव चलना एक अच्छा व्यायाम माना जाता है। अलग अलग शोधों के मुताबिक हमारे शरीर की प्रकृति बायोइलेक्ट्रिक होती है, जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं एवं तंत्रिका तंत्र को भीतरी विद्युत शक्तियों द्वारा ऊर्जा के स्पंदन से संचालित करने का काम करती है। धरती का ऊर्जा चक्र शरीर के विद्युत तंत्र को अपनी ओर आकर्षित कर उस पर अनुकूल प्रभाव डालता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आता है। हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर भी बढ़ने के साथ साथ रक्त संचरण में सुधार, तनाव को करने में मदद मिलती है। पृथ्वी की ऊर्जा महसूस करने के लिए नंगे पैर जरूर चलना चाहिए। नंगे पांव चलने के लाभ। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत कर उन्हें स्वस्थ बनाता है। इससे पैरों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। रक्त संचार बेहतर होकर घुटने और पैर मजबूत होते हैं, जिससे थकान बहुत कम होती है। अधिक से अधिक समय तक नंगे पैर चलने से पैरों के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। पुराने से पुराना सिरदर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। पैरों में लचीलापन और गतिशीलता आती है। बुजुर्ग के लिए नंगे पैर चलना शरीर के संतुलन में सुधार लाने का सबसे अच्छा तरीका है। नंगे पांव चलने से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और पैरों में होने वाले दर्द जैसी बीमारी से भी राहत मिलती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमें नंगे पांव नहीं चलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कब नंगे पांव नहीं चलें। आज के समय ज्यादातर लोगों को पैरों की समस्या हो रही है, तो उस समय में आपको नंगे पांव नहीं चलना चाहिए। ऐसे में डॉक्सोल वाले फुटवियर पहनकर चलें। बढ़ती उम्र के कारण मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। पैरों की मांसपेशियां शिथिल होने के कारण आप चलने फिरने में असमर्थ हो, तो ऐसे समय में आपको पत्थर कंकड़ से बचने के लिए नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। यदि आप अपने लॉन में नंगे पांव चल रहे हैं तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें, और यदि गर्मी के समय जमीन गर्म है तब आप चप्पल का उपयोग जरूर करें। यदि आप शुगर के मरीज हैं तो नंगे पैर चलने से सावधानी बरतें। तो मित्रों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से नंगे पांव चलने से हमें हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा मिलती है और कब हमें नंगे पांव चलना चाहिए, उसके बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन हमें अगर पैरों की मांसपेशियां कमजोर है या हम लॉन में चल रहे हैं तो उससे पहले अच्छी तरह से साफ करें, उसके बाद ही नंगे पांव चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।